तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल इंडियन टेक्निकल जोन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये टिकटॉक में अभी बहुत ही वायरल चल रहा है, इसमें अच्छे खासे व्यूज़ और लाइक भी आ रहे हैं। तो गाइस, ये जो रिमोट में गाइस स्काई का कलर चेंज करने वाला वीडियो आप कैसे बना सकते हैं टिकटॉक में अपलोड करके कुछ लाइक और कुछ फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं इस वीडियो को कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो अपने भाई को एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए जो गाइस आपको अपने मोबाइल से कुछ इस तरह का वीडियो को शूट कर लेना। तो गाइस, ऐसे वीडियो शूट करने का टाइम आपको क्या करना है, आपको स्काई को गाइस थोड़ा सा जो स्काई को ले लेना है लॉन्ग, और उसके बाद गाइस आपको हाथ में एक रिमोट होना चाहिए, उसमें जो गाइस डिफरेंट टाइप का जो कलर है गाइस बटन वाला, आपको रेड ग्रीन और येलो और जो गाइस ब्लू वाला, आपको वो वाला क्लिक करना है आपको साउंड के मुताबिक। और उसके बाद गाइस आपको जो मेन चीज़ है एप्लीकेशन काइनमास्टर, तो गाइस आपको काइनमास्टर चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं तो हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए बिना देरी के वीडियो को करते स्टार्ट। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस चैनल में नया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचा। गाइस, कोई भी वीडियो का अगर जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, नहीं तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, इस पे भी आप मुझे फॉलो करके बता सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा जो स्मार्टफोन का काइनमास्टर है दोस्तों, हमने ओपन करके रखे थे। तो गाइस, आपको भी कुछ इस तरह से अपने स्मार्टफोन का काइनमास्टर को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। देन आपको यहाँ से 9 to 16 को आपको सिलेक्ट कर लेना है, और इसको आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट जाना गाइस मीडिया का ऑप्शन में, और मीडिया का ऑप्शन में जाने के बाद गाइस आपको जाना है बैकग्राउंड का ऑप्शन में, और बैकग्राउंड गाइस यहाँ से आपको वाइट वाला बैकग्राउंड ले लेना है। और वाइट वाला बैकग्राउंड लेने के बाद इसका जो ड्यूरेशन है गाइस आपको कुछ इस तरह से बड़ा कर देना है। देन आपको सामने आ जाना है, सामने आ जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना होगा गाइस लेयर का ऑप्शन में, उसके बाद आपको फिर से मीडिया का ऑप्शन में जाना है। मीडिया का ऑप्शन में जाने के बाद गाइस अपने मोबाइल से जो वीडियो को शूट किया था गाइस उस वीडियो को आपको ले लेना है, और वीडियो को लेने के बाद गाइस यहाँ पर जो बॉक्स का ऑप्शन है राइट साइड में देख सकते हैं, इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फुल कर देना है। देन आपको बैक का जाना है, बैक करने के बाद गाइस इसका जो साउंड है, पहले आपको यहाँ से गाइस साउंड का ऑप्शन आ रहा है, इस साउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका साउंड को आपको जीरो कर देना है, यहाँ से कर लेना बैक। और बैक करने के बाद गाइस अब जहाँ से आपका जो रिमोट का एक्सचेंज चल रहा है वहाँ से आपको रखना है। तो गाइस फर्स्ट आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर रख देने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कैंची में जाना है, और कैंची में जाने के बाद ये जो वीडियो है इसको आपको कर देना है स्प्लिट एट प्ले हिट। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको ये जो बैकग्राउंड है गाइस आपको बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर जो गाइस कैंची का ऑप्शन आ रहा है इस कैंची के ऊपर आपको कहाँ क्लिक करना है, आपको यहाँ से रख देना है। उसके बाद आपको कैंची के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपको कर देना है स्प्लिट एट प्ले हिट। तो गाइस स्प्लिट एट प्ले हिट करने के बाद आपको आ जाना है थोड़ा सा, उसके बाद आपको यहाँ से रख देना है। उसके बाद गाइस आपको कुछ इस तरह से आपको देख लेना है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कर देना स्प्लिट एट प्ले हिट। उसके बाद गाइस आपको जो थर्ड नंबर में आपको कहाँ से क्लिक कर रहा है, तो गाइस यहाँ से क्लिक चल रहा है, तो यहाँ से कर देंगे स्प्लिट एट प्ले हिट। उसके बाद गाइस आपको लास्ट में आपको यहाँ से क्लिक चल रहा है, यहाँ से कर देंगे स्प्लिट एट प्ले हिट। तो गाइस देख सकते हैं जो चारों भाग में हो गया। तो गाइस चारों भाग में हो जाने का आपको गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो रिमोट का कलर है फर्स्ट रेड, तो गाइस आपको फर्स्ट यहाँ पर जो बॉक्स आ रहा है गाइस बैकग्राउंड में इसको आपको क्लिक करना है। आपको जाना है कलर का ऑप्शन में, यहाँ से फर्स्ट आपको कर देना है रेड, और यहाँ से कर देना है ओके। उसके बाद गाइस आपको जो ये वाला है गाइस जिसमें आपको क्या देख सकते हैं ग्रीन है, तो आपको फिर से जाना है कलर का ऑप्शन में, यहाँ से आपको कर देना है ग्रीन, यहाँ से कर देना है ओके। उसके बाद आपको जो थर्ड नंबर में है इसको भी क्लिक करना है, आपको थर्ड नंबर में गाइस येलो है, तो आपको फिर से जाना है कलर का ऑप्शन में, और यहाँ से आपको कर देना है येलो, और यहाँ से ओके। और जो गाइस लास्ट है आपको लास्ट के ऊपर क्लिक करना है, आपको कलर में जाना है, यहाँ से आपको कर देना है ये वाला स्काई, और करने के बाद गाइस आपका जो वीडियो हो जाएगा। और यहाँ पर जो गाइस एक्स्ट्रा पार्ट है आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, आपको कैंची में जाना है, यहाँ से कर लेना है आपको ट्रिम टू राइट। तो गाइस ट्रिम टू राइट करने के बाद गाइस अभी क्या करना है, अपना जो वीडियो गाइस जो देख सकते हैं जो सेकंड पार्ट है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे गाइस राइट साइड में मिल जाएगा देख सकते हैं क्रोमा की का ऑप्शन। तो गाइस इस क्रोमा की के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको गाइस स्काई का जो गाइस की कलर, आपको स्काई का कलर को रख देना है, यहाँ से ओके कर देना है। और करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से कर देना है एनेबल। तो गाइस एनेबल करने के बाद आपका वीडियो गाइस कुछ इस तरह का बन जाएगा, देख सकते हैं आपको थोड़ा सा इसको कुछ इस तरह से गाइस आपको जो जाना है डिटेल्स में, उसके बाद आपको डिटेल में जाने के बाद आपको थोड़ा सा इसको कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक से देख लेना है। तो गाइस ऐसे करने के बाद आपका वीडियो जो गाइस पूरा बन जाएगा, और वीडियो का बनने के बाद गाइस ये जो साउंड है हमारा टिकटॉक आईडी में मिल जाएगा। तो गाइस आपको इस साउंड को ले लेना है, तो इसके लिए हम जाएंगे लेयर के ऑप्शन में, उसके बाद आपको जाएंगे मीडिया के ऑप्शन में, और ये जो गाइस साउंड है ये साउंड आपको ले लेना है। और इस साउंड को लेने के बाद गाइस आपको राइट साइड में नीचे मिल जाएगा एक्स्ट्रा ऑडियो का ऑप्शन, तो गाइस आपको एक्स्ट्रा ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है, और आपको इस वीडियो का गाइस यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। तो गाइस डिलीट करने के बाद आपका वीडियो गाइस कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो गाइस आपको वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं।
तो गाइस देख सकते हैं वीडियो को जिस तरह का बन जाएगा आपको थोड़ा सा इसमें जो थोड़ा सा इसमें क्या करना है गाइस, आपको इसको थोड़ा सा कलर को इसको थोड़ा सा और इतना सा कर देंगे ठीक है। तो इतना सा करने के बाद आपको यहाँ से फिर से प्ले करके दिखाते हैं तो कुछ इस तरह का बन जाता है। उसके बाद गाइस इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना है तो एडजस्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का बन जाएगा वीडियो। और ऐसे वीडियो बन जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो शेयर का ऑप्शन आ रहा है इस शेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से गाइस आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस एक्सपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप टिकटॉक में अगर अपलोड करेंगे तो गाइस आपको लाइक आने का चांसेस 100% रहेगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो अपने भाई को एक लाइक कर देना और इस चैनल में नए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और गाइस कोई भी वीडियो का अगर जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, नहीं तो ये मेरा इंस्टा आईडी है इसमें भी आप मुझे फॉलो करके बता सकते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय भारत।